भैया जी हैं और इस भैया का खाते में लगा देते हैं कि ये जो भैया है एमएससी में गोल्ड मेडलिस्ट है। तो कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज हम लोग जा रहे हैं रांची, आप देख रहे हैं हम लोग यहाँ बड़ा स्टेशन है। स्टेशन देख रहे हैं काम के का भैया जी ठीक है हमारे बात कर हाय मित्रों कैसे हैं आप लोग? देख रहे हैं कि आज जो है हमारे मित्र हम लोग जो है रांची जा रहे हैं और ये बोकारो स्टेशन में क्या है ट्रेन खड़ी है। हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर बोकारो स्टेशन में ट्रेन खड़ी है और हम लोग अभी सो करके उठे हैं। और हमारे जो मित्र हैं वो दूसरे बोगी में चले गए थे। तो ये भैया निवारण भैया जी हैं और इस भैया का खासियत बता देते हैं कि ये जो भैया है एमएससी में गोल्ड मेडलिस्ट है। तो इंडिया से हम पूछते हैं कि भैया आप पहले बताइए कि आप अपना थोड़ा परिचय दीजिए और बोलिए आप कहाँ जा रहे हैं। जी मेरा नाम निवाद मंडल है, मैं इस वक्त रांची जा रहा हूँ, रांची एक विशेष कार्य के हेतु। और ये कोई विशेष कार्य के लिए रांची जा रहे हैं और आप जो है एमएससी में गोल्ड मेडलिस्ट है, तो इस बताइए कि उसका जो है तैयारी कौन सा यूनिवर्सिटी से एग्जाम दिए थे, आप कहाँ के रहने वाले हैं प्रॉपर ये बता दीजिए, और कहाँ पर पढ़ाई करते थे, और ये कैसे आपका गोल्ड मेडलिस्ट का जो सफर रहा वो कैसा रहा? मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा से हम पास किए थे 2016 में जीडीपी से गोल्ड मेडलिस्ट है। और बड़ी कड़ी मेहनत करना पड़ता है क्योंकि जो कि एक ऐसा शब्द है मतलब बुक है कि विषय है तो उसका बहुत बड़ा क्षेत्र है बना हुआ बाकी विषयों के तुलना अगर किया जाए तो मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा से हम 2016 में विश्वविद्यालय टॉपर हुए थे। इसमें राज्यपाल सत्यपाल मलिक साहब ने अपने हाथों से गोल्ड मेडल प्रदान किए। चलिए देखिए आपसे बहुत सारा सवाल पूछेंगे लेकिन आप देखे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर ट्रेन खुल गई है और ये ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। इस वजह से अभी बहुत सारा बातचीत करेंगे। चलिए आपसे मिल करके बड़ी खुशी हुई। चलो हम साथ में हम लोग भी जा रहे हैं, हमें भी रांची ही जाना है और हम लोग विशेष घर से जा रहे हैं एग्जाम के लिए जा रहे हैं। देखिए बाबा थोड़ा देखिए के लिए जा रहे हैं अभी हम लोग ऑटो पकड़ लिए हैं और ये भैया ऑटो पे हैं यहाँ पर टाटा कीजिए